हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। ये है एक रेसिपी वीडियो और इसमें हम शूट करने जा रहे हैं मूंग की दाल की रेसिपी। मूंग की दाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है और हम इसमें मूंग की दाल ले रहे हैं धुली हुई, छिलके वाली नहीं ले रहे। बहुत लाइट होती है और प्रोटीन से बिल्कुल लोडेड होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे कुकर में घी। घी जो है बच्चे की हड्डियाँ जो है मजबूत करता है, और दूसरी बात कि इवान अब 10.5 महीने का होने वाला है तो उसके लिए हम थोड़ा सा घी यूज़ कर सकते हैं सब्जी में। घी डालने के बाद आपको बच्चे की दाल में डालना है जीरा, तो मैंने यहाँ हल्का सा जीरा डाल दिया। जीरा जो है बच्चे के गले में उसे चौक कर सकता है, अटक सकता है, तो इसलिए थोड़ा कम ही जीरा यूज़ करें। और उसके बाद हमने डाला हल्की सी हींग। हींग जो है मैं यहाँ MDH की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये हींग बहुत ही पसंद है, तो हल्की सी डाल दीजिए। इससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और उसके पेट में गैस नहीं बनती। तो आपने हल्के से दाने डाल दिए हींग के, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जितना भी डालना चाहे। मैं 4-5 जो है एक पिंच डाल देती हूँ तो उससे उसका सिस्टम सही रहता है। अब हमने डाली थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें, बिल्कुल हल्की सी डालनी है। उसके बाद हमने डाला हल्का सा धनिया, क्योंकि धनिया जो है बहुत अच्छा होता है, शरीर को ठंडा रखता है, बच्चे के पेट को ठंडा रखेगा। और उसको उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा चला दिया जैसे मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएं। उसके बाद आपने डाला इसमें पानी। मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, तो बस डाल के हल्का सा चला के आप पानी डाल दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि इसमें आप फ्लेम जो है वो लो ही रखें, जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। उसके बाद आप डाल देंगे दाल जो मैंने 2-3 बार धो के अच्छे से भिगो दी थी 1/2 घंटे तक, और उसके बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। दाल डालने के बाद आप इसे चला दीजिए। और जैसे कि इवान अभी 1 साल का नहीं हुआ है, तो जो उसका पेडिट्रिशियन है उसने बोला है कि अभी शुगर और सॉल्ट उसको नहीं देना है 1 साल तक, पर फिर भी बच्चे के टेस्ट के लिए मैं हल्का सा इसमें नमक डाल दूंगी। लेकिन आपको हल्का सा ही नमक डालना है, बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से आप ध्यान रखें आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और इसी हिसाब से इसमें नमक डालें। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, जैसे इवान जो है उसको ऐसा बनने लगे कि बेस्वाद है और वो उसको खा ले। और उसके बाद इसको चला दीजिए। पानी की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे को थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, अगर थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा तो उसको सटकने में भी प्रॉब्लम होगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना खाए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पतली दाल ही रखी है। और बस इसके बाद आपको कर देना है कुकर बंद, और 3-4 सीटी के बाद ये दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसमें 4 सीटी दे दी है और ये ऑलमोस्ट बन के तैयार है, तो चलिए देखते हैं कि कैसी बनी है। अब आपने इसे जो है खोला हल्की सी सीटी निकाल के, और उसके बाद ये देखिए दाल एकदम फर्स्ट क्लास और गली हुई बनी है, बच्चा आराम से खा सकता है। ना ज़्यादा पानी है और ना ज़्यादा कम पानी है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया है दाल की। तो बस अब आप करिए इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र और अपने बेबी को खिलाइए, जिससे आप भी खुश और आपका बेबी भी खुश। तो ये है आपकी मूंग की दाल बनके तैयार। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।